हे हेलो गाइस, दिस इज अनवेश हियर और आप देख रहे हैं मल्टी अड्डा। आज हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में कि ये नोबेल पुरस्कार, इसका नाम क्यों पड़ा और ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है और 2022 में किसको किसको दिया गया, हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम अल्फ्रेड नोबेल है। तो ये नोबेल जो लिया गया इन्हीं के नाम से लिया गया, या इनको हम संस्थापक भी कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार का। इनका जो जन्म है 21 अक्टूबर 1833 को स्कॉटहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारी एवं उद्यमी, उद्यमी मतलब एक बिजनेसमैन, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। ठीक, ये एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे और उसके साथ साथ में बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे खोज किए, जिनमें से एक डायनामाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और अधिक से अधिक इन्होंने योगदान दिया अपने करियर में, अपने क्षेत्र में। इनकी मृत्यु 1895 में हो जाती है और अपने मृत्यु से कुछ दिन पश्चात अपनी वसीयत में ये लिख जाते हैं, या अपनी वसीयत में बोलते हैं कि हमारी मृत्यु के पश्चात शेष संपत्ति के उपयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मानव जात के कल्याण में सर्वाधिक योगदान दिया हो। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने वसीयत में पहले से लिख दिया था कि जो मानव समाज के लिए या जाति के लिए अच्छा योगदान देता है तो उसको पुरस्कृत किया जाए। और इस वजह से 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और यहीं से स्टार्ट होता है नोबेल पुरस्कार का आगमन, और यहीं से आता है जहां से नोबेल पुरस्कार मिलना आरंभ होता है। तो फर्स्ट टाइम जो मिला था तो 1901 में दिया गया था, फर्स्ट टाइम 1901 में नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि ये जो इन क्षेत्रों में तो ठीक है 1901 में दिया जाने लगा, ठीक है, बट अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई वो 1968 में हुई। ठीक, उस वक्त ये नहीं दिया जाता था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। 1968 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई, किसके द्वारा? स्वेरिजिस रिक्स बैंक ने इसकी स्थापना की, जो स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है। उस वक्त ये नहीं दिया जाता था। तो यहीं से सिलसिला चालू होता है हमारे नोबेल पुरस्कार का। चलिए अब देखते हैं कि 2022 में किन लोगों को मिला और किन किन क्षेत्रों में मिला। ठीक है, तो पहला आता है कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 10 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ। बेन फर्स्ट जो दिया गया वो बेन एस पार्नके द ब्रुकलिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC USA को दिया गया। सेकंड डगलस W डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो USA को दिया गया। थर्ड पे आते हैं फ्लिप H डाइविक वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस USA, इनको दिया गया। अच्छा, इनको किन क्षेत्रों में दिया गया या किस वजह से दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंक और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए दिया गया। ठीक, इन्होंने जो बैंक में वित्तीय संकट आती हैं, ये संकट आते हैं, उनके ऊपर शोध करने के लिए दिया गया। ठीक, चलो अब देख लेते हैं नोबेल शांति पुरस्कार किसको किसको मिला। ठीक है, तो नोबेल शांति पुरस्कार 7 अक्टूबर 2022 को दिया गया। फर्स्ट पे आते हैं LS बेलतास्की, ठीक है, यहाँ पर मात्रा लगा देना, बेलतास्की। सेकेंड है मेमोरियल और थर्ड है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये तो एक नाम है या व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये दो जो हैं मानवाधिकार संगठन हैं। ठीक है, ये संगठन है, ये कोई नाम नहीं, ये एक संगठन है, ये एक नाम है। ठीक, अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई वो ये 2007 में इसकी शुरुआत हुई। तो आगे देख लेते हैं साहित्य क्षेत्र में। 6 अक्टूबर 2022 को
दिया गया। 22 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी आर्नो को प्रदान किया गया। तो एक लेखिका है तो सिंपल सी कोई ना कोई बुक लिखी होगी अच्छी, उसी को दिया गया। ठीक है, अच्छा, ये फ्रांस की पहली महिला है जिनको दिया गया, मतलब फ्रांसीसी पहली महिला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब कई महिलाओं को मिल चुका है, बट ये फ्रांस की पहली महिला जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं रसायन विज्ञान के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो इनको इसमें फर्स्ट है कैरोलिन आर बटोची स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड पे सेकंड पे आते हैं मॉर्टन मेडल यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क। थर्ड पे आते हैं के बेरी सार्प्लेस स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका। इन तीनों को दिया गया। अच्छा, इनको किन वजह से दिया गया, किस वजह से दिया गया, ये भी देख लेते हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ये इनको दिया गया। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं एलन एस्पेक फ्रांस से हैं, जेन हॉफ क्लाजर अमेरिका से हैं, एंटोनो जिलंगर ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक, इनको किस वजह से दिया गया ये भी देख लेते हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण, आपस में गुंथे हुए फोटानों पर किए गए प्रयोग, बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने के और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए किया गया। तो आगे देख लेते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, जो कि लास्ट है। इसमें है स्वांते पाबो स्वीडन से हैं जो, ठीक, इनको दिया गया। ऐसा इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने यह पुरस्कार विलुप्त मानवनुमा या आदि मानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया। तो इतने लोग हैं जिनको दिया गया यह पुरस्कार। ठीक है, ये देख लेना एक बार अपना दोबारा वीडियो चला के, ठीक, कन्फ्यूजन हो कहीं पर। और ये शॉर्टकट में सब कुछ दिया गया, इसमें किसको किसको दिया गया, किसको किसको नहीं दिया गया। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जैसा भी लगा हो बताइए प्लीज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पे आने वाली है, जो कि अपने ही देश में बनाया गया है, जिसका नाम प्रचंड है। ये एक हल्का हेलीकॉप्टर है जो अधिक ऊंचाई तक उड़ान भर के युद्ध कर सकता है। अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में यस कमेंट करिए। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।